करती है बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल। तुलसी का पौधा केवल पूजा करने के काम ही नहीं आता, ये कई तरह के स्वास्थ्य लाभ हेल्थ बेनिफिट्स देने के काम भी आता है। कोरोना काल में भी लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की भूमिका तुलसी ने निभाई है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तुलसी के पत्तों, बीजों और रस का सेवन करने से केवल इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ती, बल्कि ये बढ़े हुए यूरिक एसिड के साथ कई और तरह की दिक्कतों को भी कम करने में सहायक है। आइए बताते हैं कि तुलसी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तुलसी में अल्सोलिक एसिड, यूजेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में होते हैं, जो बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप 6-7 तुलसी के पत्ते तोड़कर धो लें। इसके साथ 5 काली मिर्च के दाने लें और जरा सा देशी घी मिलाकर इसका सेवन करें। ऐसा लगातार 1 महीने तक करें। तुलसी के 10-12 पत्तों का रोजाना सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, इससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। पथरी होने पर तुलसी के साथ 8 पत्तों को पीसकर शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से पथरी की दिक्कत दूर होती है। मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करने के लिए तुलसी के बीजों का सेवन किया जा सकता है, इससे फायदा होगा और कमजोरी भी दूर होगी। मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए भी रोजाना तुलसी के 4-5 पत्तों का सेवन कर सकते हैं। टाइफाइड को दूर करने के लिए तुलसी के 20 पत्तों और 10 काली मिर्च के दानों को मिलाकर काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। त्वचा रोग में भी तुलसी लाभकारी है, इसके 20 पत्तों के रस का सेवन रोजाना करने से त्वचा रोग में लाभ होता है। तुलसी के पत्तों, बीजों और रस का सेवन करने से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, ये मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने, डायरिया को कम करने, यूरिक एसिड और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, टाइफाइड को दूर करने और त्वचा रोग से निजात दिलाने में भी बेहद फायदेमंद है। सभी बातों पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।